समाज कार्यकर्ता विनीता ठाकुर हत्या मामले में आज यूथ यूनियन नाहन ने एसडीएम के जरिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ज्ञापन भेजकर मामले में उचित कार्यवाही की मांग की है। प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में मांग की गई है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में हो ताकि जल्द से जल्द दोषी पुलिसकर्मी को सजा मिल सके। यूनियन ने इस बात पर दुख जताया कि एक पुलिसकर्मी द्वारा ही सामाजिक कार्यकर्ता को आग लगाई गई जिससे कि सामाजिक कार्यकर्ता की मौत हो गई। यूनियन ने यह भी मांग की है कि विनीता ठाकुर के परिवार को सरकार हर संभव मदद करे। गौर हो कि 9 नवंबर को पुलिसकर्मी ने सामाजिक कार्यकर्ता विनीता ठाकुर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जिसके बाद गंभीर हालत में बिना ठाकुर को पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचाया गया जहां उपचार के दौरान 22 नवंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया। मामले में दोषी पुलिसकर्मी फिलहाल सलाखों के पीछे है। तो आइए जानते हैं पूरी बात। अध्यक्ष यूथ यूनियन नाहन भावक शर्मा ने क्या कहा। यूथ यूनियन के सदस्य माने डीसी साहब के थ्रू माने गृह मंत्री भारत सरकार और माने प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपना चाहते हैं कि जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन में एक 30 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता कुमारी विनीता ठाकुर जी की जो पुलिस कांस्टेबल द्वारा जो पेट्रोल छिड़क कर जो उनको आग लगा दी गई जो उनकी हत्या की गई इस बारे में हम कुमारी विनीता ठाकुर जी के लिए यहाँ न्याय मांगने आए हैं और ये मैं चाहते हैं कि ये जो न्यायिक जाँच है इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और जो विनीता ठाकुर जी हैं उनके परिवार को मदद दी जाए सरकार की ओर से। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिड वी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें